नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की जो हम नोटिफिकेशन लेके आए हैं SAMEER की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये IIT पोवई की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। ये इसका एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आप सभी के लिए वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें आप बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं रखी गई है, कोई फीस नहीं रखी गई है, आपको डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया से इसमें सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल रहने वाली है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कितनी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको इसकी PDF और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये रहा इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च IIT पोवई की तरफ से वैकेंसी से मुंबई तरफ से, ठीक है ना। इसमें आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। एक साल की अप्रेंटिसशिप होने वाली है, जिसमें ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ये 5 अक्टूबर का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि आपको IIT में वैकेंसी निकली हुई है तो आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप नहीं करें दोस्तों। आपको अप्रेंटिसशिप जहाँ से भी आपको मौका मिल रहा है, आप जरूर से वहाँ से कीजिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का फायदा मिलता है। क्योंकि IIT का सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो आपके पास यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ब्रांच एलिजिबल है, वो पहली ब्रांच है आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसमें ग्रेजुएट वालों के लिए 16 वैकेंसी है और डिप्लोमा वालों के लिए 8 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है ग्रेजुएट के लिए, डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड IIT वालों के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए कोई भी वैकेंसीज नहीं रखी गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग ब्रांच भी रहती है। आप यदि हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, तो यदि आपने BA BTEC किया हुआ है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IIT या मैकेनिकल से, ठीक है ना। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, यदि आपने इन सभी से ग्रेजुएट किया हुआ है 55% के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम डिप्लोमा की बात करते हैं, तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या केमिकल इंजीनियरिंग में 55% के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है ग्रेजुएट के लिए, आपको 10,500 रुपये मिलने वाले हैं, और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे आपको 8,500 रुपये मिलने वाले हैं। देखिए आपको यहाँ पर क्या किए रहे हैं, वो दे कैन अवेलेबल कैंटीन एंड बस फैसिलिटी अवेलेबल टू एम्प्लॉइज़। आपको यहाँ पर कैंटीन और बस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाने वाली है। जो एज लिमिट रखी गई है वो 25 ईयर्स रखी गई है। आपका यहाँ पर एक 1-लाइनर रिटर्न टेस्ट होने वाला है, या आपका यहाँ पर इंटरव्यू हो सकता है। ये आपको इनकी वेबसाइट पर पता लग जाएगा या आपके ईमेल के थ्रू पता लग जाएगा, ठीक है ना। जो लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों, वो रखी गई है इनकी 15 अक्टूबर, तो आपके पास अभी टाइम है थोड़ा, आप इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको MHRD की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई टू समीर फ्रॉम दिस वेबसाइट, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देख लेना है। ये कुछ इन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पर देने हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज की ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर सभी लिंक्स और सभी PDFs आसानी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।